हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। सब बच्चे क्रिकेट खेलने लगे। गेट वेट खोल के मैं ऊपर पहुंची हूँ। मैंने सोचा पहले कपड़े फोल्ड कर ले, लेकिन सबसे पहले झाड़ू उठा लेती हूँ। देखा बच्चे खेल रहे हैं सुबह सुबह, जैसे 5 o'clock से ही आ गए। गर्मी होती है, बाकी खेलेंगे। धूप हो जाती तो सुबह वहाँ खेल के चले आते। फिर आए, कपड़े फैला गए थे रात में। रात में आए थे, देर में डाले थे ना, आज 5 पे डाले, कल 5 में डाले थे, तो फिर रात में चले गए। फिर आके बंद कर गए थे कि हमने कहा अंदर ही डाल दें, बाहर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पता नहीं कहाँ कपड़े उड़ के जाएंगे, जान भी नहीं मिलता है अंदर। फिर झाड़ू ढूंढ रही हूँ, झाड़ू वाड़ू ढूंढ के पूरे उसमें लगा लूँ। अब गंदगी नहीं होती, क्योंकि आज पेड़ कट रहा था, पेड़ आम का कल कट रहा था। कल से हो सकता है अंकल ने छटवाया, उनके छत पे सब ढेर हो जाता था, हमारी छत पे भर आता था। तो लगा के जाओ, अब जैसे फिर नीचे आ जाओ, पता चला आंधी आ गई घंटे भर बाद, फिर सब गंदा। बड़ी गुस्सा आती थी, जो नहाए ना हो तो लगाओ, जो नहा लो तो सोचो अब कल ही लगाएंगे। तो ऊपर बड़ा सा वो ले लेता है, जो आधा है तो धूल भर जाती कोने कोने में। सफाई मारते रहो, तीसरे दिन रोज़ जब बंद पड़ता है ऊपर की सफाई हो जाती। ज़्यादा सामान खुले में नहीं रखा है, सब बंद और दीवान के अंदर कर दिया है, नहीं तो पता नहीं क्या हो। और पेपर से ढक रखे हैं, जो एक आध कुछ बुक्स कॉपीज रखी हैं इन लोग की, यूज़ की हैं, लेकिन कोर्स की भी नहीं है, तो ऊपर रख रखी हैं, ज़रूरत होती है तो ले आते हैं। बाकी इन लोग की अपने अलमारी में जो है बुक्स कॉपीज़ वाली, उसमें इन्हीं लोग की सब आ जाती हैं। और नीचे आधे में तो सब मेरे ही भंडारा रखा, इन लोग से ज़्यादा आया इन लोग के नाम से इनकी बुक सेल ले, हमने लिया पूरा। और मेरी वो ग्रेजुएशन इंटर सब की बुक्स कॉपी संस्कृत की, वो सब रखी हुई हैं, लेकिन वो हटाएं कह क्या सकते हैं। मेरी मैगजीन्स, मेरी डायरीज, और मैगजीन से ही तो पूरा भरा है सब। फिर बाकी एक रो डायरी, 3 रो आता है उसमें, और उसमें बुक्स कॉपीज मेरी सारी सब ढेर लगा रखी हैं। रोज़ बैठते हैं छटनी करें, जब छटनी करने जाएंगे तो निकलेगा कुछ नहीं, एक हाथ पन्ने बाहर कर देंगे। तनिक इस लालच में रखे हैं। हाँ, सोच रहे थे इंग्लिश से संस्कृत से एमए डाल दें, फिर PhD कर डालें, लेकिन हस्बैंड जी कहाँ करोगे कहाँ करोगे, उनका सहयोग मिला नहीं। नहीं तो मेरी तो तमन्ना थी कि अपना प्राइवेट प्राइवेट करके दे डालें, क्या जाता है। अब तो एज का भी इशू नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं, किस एज में भी कर सकते हो, तब भी इच्छा जागृत हो। ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा मैंने सिलाई का वो किया था कोर्स 1 साल, थोड़ा लास्ट दिसंबर आते आते इंगेजमेंट हो गई, मार्च तक शादी हो गई। फिर वहाँ सोचते रहे, हस्बैंड ने तो कहा था मैं अपने साथ एमए करवाऊँगा, लेकिन कहीं नहीं पूछा तक नहीं, अपना एमए का डाला मुझसे पूछा तक नहीं, माल में खुला था। मेरे बच्चे भी हो गए थे, कहाँ जा पाते, लेकिन फिर भी चले आते। क्या घूंघट निकाल के पेपर नहीं होता, घूंघट निकाल के भी पेपर हो जाता है। और वहाँ से कुछ सुविधा आई थी, ये कौन कानपुर की यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ पे 4 साल तक इन्होंने एमए का कराया है माल में, फिर बंद कर दिया। तो कपड़े उपड़े उठा के हम सोच रहे थे झाड़ू से पहले उतार लें, लेकिन आराम आराम से लगाया है, कौन बार बार जाए ऊपर आए। करते करते 6 हो गया। ऊपर जाते हैं तो ऊपर के सारे काम निपटा लेते, झाड़ू नीचे झाड़ू लगाते 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 सब में, फिर हाथ मलमल के धोया, खूब साफ करा। और ये अब यहाँ पोछा अच्छा कर लूँ, थोड़े से 2-4 बर्तन इकट्ठे करके धो डालूँ, कुर्ता ये मिल गया ना, अब मौसम खिल गया, चलिए बाहर की सैर करके आते हैं। अब तो प्यास भी लग रही है, जैसे मैंने कैमरे में देखा मेरा दांत खुला, तुरंत कैमरा ऐसा में पकड़ लिया, मैं दांत दांत भूल ही जाती हूँ, मेरा दांत दिख जाता है। हाँ, ये देख रहे थे, बोले दांत दिख रहा है तुम्हारा, हमने अब क्या करें, लगवा लो, तो कह रहे हैं पड़वा पड़वा कह रहे थे, पड़वा के दांत लगवा लो, ये भी ना ये लगाएंगे तो हम भी लगा लेंगे, इनका एक दांत तोड़ के लगवाते हैं।
किचन में आ गए हैं, याद आएगा तो हाय हेलो भी करते हैं। और माना जी बोले कि हमें नमकीन कचौरी खानी है, ऐसी शादी वाली नहीं, नमकीन पूड़ी कह लो। उसमें क्या करती हूँ, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, नमक, मोयन डाल दिया घी का, अजवाइन, जीरा सब डाल के बना देते हैं खस्ता खस्ता। सॉस से खा लेते हैं, सॉस से पसंद है। जब कुछ नहीं खाने का मन होगा, सब्जियों से ऊब जाएंगे, तो बोलेंगे कि मम्मा बना दो, और खा लेंगे बड़े शौक से, टिफ़िन में भी ले जाएंगे। और काकू को बता दो तो वो फिर चाय, जैसे चाय नहीं पीता है ना, सुबह में ना शाम में, पिएगा ही नहीं। जब स्कूल कॉलेज जाता है, स्कूल ही मुँह से निकलता है, जब कॉलेज जाता है तब नाश्ते में दे देते हैं आधा कप, तो पी लेता है। एक बनाते हैं कप, आधा उसको देते हैं, आधा हम पी लेते हैं, ताकि सर ना पकड़े। चाय वाय नहीं पसंद है गर्मियों में, लेकिन जब पीते नहीं तो सर पकड़ लेता है, दिन भर परेशान करता है, तो थोड़ा सा एक दो घूट पी लेते हैं। चाय से तो नफरत है गर्मियों में, चाय कोई ना पूछे, पानी पिलाता रहे। इसको बना देंगे, ले लेगा, खा भी लेगा शौक से। इस समय आलू भरता खाने में जुटा हुआ है। सब्जियां क्या, बैगन ये लोग खाते नहीं, तुरई लौकी सब कद्दू मुंह बनाते हैं, दुनिया खा लेंगे। एक को सूखी कहेगा, एक रसेदार कहेगा, वो भी दो चार दिन खाएंगे। अगर सोचो कटहल तो छूते नहीं ये लोग, सूखी ना हो कैसी भी, ना कैसी भी। ऐसे ही हैं सब पागले पागले। रहता है तब बना दो तो खा लेते हैं, दही बड़ा बना दो वो खा लेते हैं शौक से, कढ़ी खा लेते हैं, और ये सब अच्छे भी लगते हैं इस सीज़न में। रात में हालांकि दही खट्टी चीज़ें नहीं अच्छी नहीं लगती, मैं तो खा लूँ तो उल्टी कर कर के परेशान होंगी। मानस कम नहीं मन मानता है, वो कहेंगे कहेंगे भैया झेलोगे अभी मत खाओ, दोपहर में खा लो, सुबह भी नहीं, दोपहर सबसे बेस्ट टाइम होता है दही मट्ठा खट्टी चीज़ें खाने का। तो मैं संतरा तक नहीं छू सकती, जो खा लूँ तो ऐसा सर पकड़ेगा, इतनी उल्टियाँ होंगी, सब छोड़ दिया। केला खा लूँगी या सेब, कोई वैसा खट्टा छू ही नहीं सकते। इतना अच्छा लगता था मुझे संतरा, बहुत खाते थे, दिन भी खाते थे, दोपहर में भी, रात में भी, कहीं कुछ नहीं। जब से यहाँ आए हैं तब से ये हुआ है, पता नहीं यहाँ का पानी ऐसा है, पूरी कॉलोनी में ये है कि हर थोड़े दिन पे किसी न किसी को उल्टी सरदर्द ये हो गई होगा, कॉलोनी प्रॉब्लम। ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं हजम होना, यहाँ तक कि लहसुन से दाल छोंक दो तो जलन दिन भर पड़ती रहती, लहसुन डालते ही नहीं, प्याज जिसमें बनाएंगे प्याज भर देते हैं कि थोड़ा सा ठंडक महसूस दे, लहसुन तो छुए। लेकिन हमको दाल बहुत पसंद है लहसुन वाली, प्याज से बनाती हूँ लेकिन लहसुन से भी खाने का मन होता, उस दिन मेरा गला ही पकड़ गया रहेगा जलन जलन। अब केके का देख लिया है, कल हुआ अंतिम संस्कार, हाँ परसों एक्सपायर हुए थे, यानी कि तीन चार दो को, सॉरी दो को, उससे बस जलन ही पड़ रही थी, एसिडिटी समझ रहा था और पसीना बहुत बह रहा था एसी में भी, लेकिन इस पर गौर नहीं करा उसने, चला गया अपने होटल में। किसी ने भी आसपास नहीं गौर करा कितना पसीना भी निकल रहा है एसी में, कंसर्ट था, हो सकता गैदरिंग बहुत होती है तो उसमें ऐसा होता हो, ऐसी फेल हो जाती हो, लेकिन कई किए होंगे, एक तो कर नहीं रहे होंगे पहली बार, कुछ तो डिफरेंट होगा ही। उलझन घबराहट चेहरा उसका न्यूज़ में दिखा रहे थे कितना, जैसे बहुत अंदर से परेशान है, हार्ट अटैक हो गया,
मौत बहुत अच्छी पाई। तो अब जाए, गाने तो सुनते थे, गाने बहुत अच्छे थे, दर्द भरे, और संगीत का कोई तालीम नहीं लिया, लेकिन नाम अब हमने सुना, बच्चे जानते थे मेरे। अच्छा, एक समय था कि रेडियो मेरे आस ही पास रहता था, सारा टाइम खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जो भी करना है सारे टाइम, जब मम्मी मेरी नहीं रही तो अगर मैं ना चलाऊँ तो मेरे पापा रेडियो चला के रख देते थे मेरे पास, अब वो चलता रहता था, सारे काम अपने आप पता नहीं कैसे हो जाते थे, समझ में नहीं आते थे फटाफट, और मन भी इतना प्रसन्न रहता था, हर समय चलता था। और जो विविध भारती और जो वो ना है, जाने कितने नेपाल लगा के, जाने कितने कितने चैनल लगा के सुनते रहते थे। और विविध भारती में तो भाई विविध रंग थे, बहुत कुछ था उसमें, देख देख के, सुन सुन के बड़ा नॉलेज हो गया था हर चीज़ में, संगीत के बारे में, चाहे जिस नेता भी थे नेता के बारे में, बहुत कुछ। चलिए इसी के साथ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।